हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर चपराना लाइव अकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। तुम्हारी बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास है ह्यूमन डिसीजेज, मानव रोग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत कन्फ्यूजिंग है, तो इसको हम आज डीपली स्टडी करेंगे। इसमें जितने क्वेश्चन हैं वो देखेंगे और जो जितने भी ट्रिक हैं वो देखेंगे। तो ह्यूमन डिसीज को स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन डिसीजेज नॉर्मली तीन तरह से होती है, एक तो प्रोटोजोआ मतलब परजीवी, दूसरा बैक्टीरिया जीवाणु और तीसरा वायरस, एक चौथा हो रहा है फंगी कवक बोलते हैं, उससे भी दो तीन रोग होते हैं, उसे हम अलग से स्टडी कर लेंगे। तो पहले प्रोटोजोआ से देखिए कौन कौन से रोग होते हैं परजीवी से। तो इधर लिखे हैं रोग और इधर लिखे हैं इससे प्रभावित अंग, मतलब इस बीमारी से कौन सा अंग हमारा इफेक्टेड होगा, प्रभावित होगा। तो सबसे पहले प्रोटोजोआ से देखिए बीमारी कौन कौन सी है, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस और कालाजार, ये पांच बीमारी हमारी प्रोटोजोआ से होती है। तो इसमें प्रभावित अंग मलेरिया से तिल्ली एंड आरबीसी, आरबीसी वही अपना रेड ब्लड कार्पल्स बोलते हैं इसे। और ये मलेरिया जो है ये होता है मादा एनिफिलीज मच्छर के काटने से, ठीक है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि मलेरिया किसके काटने से होता है, तो मादा एनिफिलीज मच्छर के काटने से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पायरिया, पायरिया सब जानते हैं ये दांत की बीमारी है, मसूड़े में जो खून साने लगता है, तो पायरिया वो मसूड़े से प्रभावित होते हैं मसूड़े इससे। नेक्स्ट है सोने की बीमारी, ये सोने की बीमारी को जो प्रभावित करता है वो है माइंड, ये मतलब दिमाग पे असर डालता है, ज़्यादा सोने से जो है दिमाग पे बहुत असर होता है। तो ये सोने की बीमारी जो है ये सीसी फ्लाई मच्छर वो है मक्खी उसके उससे होती है, ठीक है। नेक्स्ट है पेचिस, पेचिस हमारी आँत प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट है कालाजार, उससे होता है अस्थि मज्जा बोन मैरो प्रभावित, ठीक है। तो ये थी हमारे प्रोटोजोआ से मतलब परजीवी से होने वाली बीमारी। नेक्स्ट हमारी बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ज़्यादा बीमारी बैक्टीरिया और वायरस इसमें कन्फ्यूज़ होता है, तो इसे सही से स्टडी करते हैं। पहला है इसमें टैटनस, टैटनस होता है तंत्रिका तंत्र प्रभावित मतलब नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम इससे प्रभावित होता है। सेकेंड है हैजा, हैजा सब जानते ही है आँत, और टाइफाइड से भी आँत, और क्षय रोग मतलब टीवी इससे फेफड़े, और डिप्थीरिया से श्वास नली मतलब गला में दिक्कत होने लगती है, प्लेग है फेफड़े से। इसे बताता हूँ प्लेग क्या है, ये एक नॉर्मली वैसे चूहे की बीमारी है, चूहों को होती है, जो चूहे के ऊपर पिस्सू होते हैं वो उसका खून चूसते हैं, तो उस खून में उनमें पेस्टोरेला पेस्टिस नामक एक बैक्टीरिया होता है, वो उनके अंदर चला जाता है और तब वो मनुष्य के ऊपर जाते हैं, तो उससे फिर प्लेग की बीमारी होती है। नेक्स्ट है काली खांसी, उससे श्वसन तंत्र, आठवां है निमोनिया, उससे फेफड़े प्रभावित होते हैं, गोनोरिया मूत्रमार्ग और कोड से तंत्रिका तंत्र या त्वचा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वायरस से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला एड्स, एड्स से क्या होता है डब्ल्यू बी सी वाइट ब्लड कार्पल्स, ये इससे जो है इसके नंबर ऑफ डब्ल्यू बी सी में दिक्कत होती है। नेक्स्ट डेंगू, इससे पूरे शरीर में दिक्कत होती है, डेंगू किससे होता है एडीज एजिप्टाइस से, ठीक है। इन्फ्लुएंजा से भी संपूर्ण शरीर पर प्रभावित होता है, चेचक से भी पूरा शरीर में दिक्कत होती है, छोटी माता और खसरा ये तीनों एक ही कैटेगरी की हैं, चेचक छोटी माता या खसरा, इससे पूरे शरीर में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पोलियो, पोलियो से गला रीढ़ और नाड़ी ये होती हैं। फिर ट्रोकोमा सब जानते हैं आँख की बीमारी है, तो इससे आँख प्रभावित होती हैं। और हेपेटाइटिस मतलब पीलिया, इसे लीवर। नेक्स्ट रेबीज, रेबीज का पुराना नाम है हाइड्रोफोबिया, तंत्रिका तंत्र जो कुत्ता उत्ता खा लेता है उससे होते हैं, तो कुत्ता या बंदर उससे होती हैं, तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित होता है। जब देखते हैं ना कि कुत्ता खा लेता है तो आदमी भी कुत्ते जैसा भौंकना स्टार्ट कर देता है, उसका दिमाग चलना स्टार्ट हो जाता है, तो उस वाला ही है इसका भी। नेक्स्ट है हर्पीस, त्वचा इससे प्रभावित होती है, ठीक है। अब आया लास्ट जो बता था फंगस, फंगस से नॉर्मली वही बीमारी होती है जो बसों में जिनका प्रचार होता है, दमा दाद खाज खुजली गंजापन, इन सबकी बीमारी बसों में आपको नॉर्मली मिल जाएगी। तो फंगस कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, या ये है कि जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं जिसको हम, इसे देख लेते हैं। कलर ब्लाइंडनेस, जब आदमी को कलर पहचानने में दिक्कत होती है तो उसमें क्या होता है, एक तो रेड और ग्रीन कलर इन दोनों की पहचान नहीं होती, दूसरा है हीमोफीलिया, आसानी से रक्त का थक्का नहीं लगता, इससे
इससे आसानी से रक्त का थक्का नहीं जमता। और नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम, स्त्री में 45 गुणसूत्र होते हैं, बांझपन बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है क्लिनिफेक्टर सिंड्रोम, इसमें आदमी में 47 गुणसूत्र होते हैं, नपुंसक बोलते हैं जिसको, ठीक है। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम, मतलब जीभ मोटी, आँख टेढ़ी, अनियंत्रित शरीर ढांचा पूरा। नेक्स्ट है पटाऊ सिंड्रोम, इसमें क्या है, ऊपर का होंठ कटौया होता है, ठीक है, पटाऊ या कटाऊ सेम है, तो इसको याद कर लीजिएगा। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं हमारे, वो देख लीजिए। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ मुख्य जो उनका जो खाना है वो चावल है, वो पॉलिश हुए होते हैं, तो पॉलिश हुए चावल से लोग पीड़ित हो जाते हैं कौन सी बीमारी से, बेरी, कैसे कि पॉलिश हुए चावल को जब धोते हैं तो उसके ऊपर से विटामिन बी साफ हो जाता है, और विटामिन बी की कमी हो जाएगी तो फिर रोग कौन सा होगा, बेरी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा BMD टेस्ट, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, ये एक ऐसा टेस्ट है जो हमारी हड्डियों में जब दिक्कत होती है, फ्रैक्चर होता है, तो उसके लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसे कितना खाना है, कब खाना है, कितना रोक देना चाहिए, तो उसे फिर बीमारी का नाम बोलते हैं बुलिमिया, इसे याद रख लीजिए कि वो बुलाता रहता है, लिया, उड़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा DPT का टीका, ये तीन बीमारियों के लिए लगता है, बचपन में लग जाता है, एक तो डिप्थीरिया, एक कुकर खांसी और टैटनिस, डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टैटनिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है, डिप्थीरिया, कुकर खांसी और ये। एक गोल्डन आर करके एक है, तो गोल्डन आर क्या होता है कि एक घंटे के अंदर अंदर जो सुविधा हम हार्ट अटैक वाले पेशेंट को देते हैं उसे गोल्डन आर बोलते हैं, ठीक है। और जो पोटेशियम है जिसको KSA डिनोट करते हैं, वो हमारा हार्ट की बीट, हार्ट बीट कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ट्यूमर की पहचान जो होती है पृथक रेडियोधर्मी संस्थानिक है, उसे हम आर्सेनिक 74 बोलते हैं, आर्सेनिक 74, ठीक है। और ब्लड कैंसर की रोकथाम के लिए जो यूज़ होता है वो कोबाल्ट 60 या पोटेशियम 32। कोबाल्ट 60 पूछा जाता है, कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है, तो ये करता है गामा किरणें, पढ़ाया ना अल्फा बीटा गामा किरणें, तो ये गामा किरणें उत्सर्जित करता है कोबाल्ट 60, ठीक है। और दो टर्म हैं, एक ECG और एक EGG, ये बहुत कन्फ्यूजिंग है। एक ECG होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये हार्ट के लिए होता है, कार्डियो मतलब हार्ट के होते हैं, जितनी भी कार्डियो शब्द है वो सब हार्ट के लिए होते हैं। और EEG मतलब इसे एग बोल लीजिए, एग भी ऐसे लिखा जाता है, EEG लिखा जाता है वैसे तो, लेकिन EEG भी बोल लीजिए, तो ये माइंड के लिए होता है, ठीक है, दिमाग के लिए। एक है टेप वर्म रोग, ये होता है जो सुअर खाते हैं उन लोगों को हो जाता है, उनके मांस खाने से टेप वर्म रोग। और जो बच्चे की प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग होता है, मतलब जो प्रोटीन की कमी हो जाती है उसके कारण जो रोग होता है उसको हम बोलते हैं मेरास्मस, भुखमरी के कारण जो बच्चे में होता है मेरास्मस, ठीक है। तो बच्चे करते में जैसा है कि जब भूखे होते हैं कि ये मेरा है, उससे आप इसको कर लीजिए। तो ये था आज ह्यूमन डिजीज, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थे जो ये हैं पॉइंट, ये क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं लास्ट ईयर।